फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी अंकल केन एट द विकेट। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट, इट मीन्स फाइनल पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो अंकल केन, जिनको वहाँ के लोग ब्रूस हैलम समझ रहे थे, वे 8 रन्स बनाकर आउट हो गए। रन आउट हुए थे, आपको याद होगा सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। हम लोगों ने क्या देखा था कि वो पहली गेंद पर जो है 4 रन्स उन्होंने बनाया था, नेक्स्ट बॉल पे LBW अपील जो हुआ था जिसको अंपायर ने रिफ्यूज कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक और 4 रन्स लगाया जो कि लेट कट लगा था। और आज हम लोग उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ही रिटर्न टू द पवेलियन टू द सिंपैथिक अप्लॉस ऑफ द क्राउड। इट मीन्स जब वे आउट हो गए और पवेलियन लौट रहे थे तो जो भी स्टेडियम में भीड़ था उन लोगों ने उनकी काफ़ी प्रशंसा की, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था, बल्कि इसलिए कि सहानुभूति के रूप में। यहाँ पे आपको बताया हुआ है सिंपैथिक अप्लॉस, इट मीन्स उनके प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाया कि कोई बात नहीं, आप 8 रन से बनाए तो क्या हुआ, हम लोगों ने आपके 2-3 शॉट तो देखे। इसलिए वहाँ के लोगों ने उनकी सिंपैथिक अप्लॉस की प्रशंसा की। Not his fault, said the elderly gentleman. एक बूढ़ा आदमी जो है वह कहता है कि नहीं, या ब्रूस हैलम की गलती नहीं है। The other chap should not have called. जो दूसरे एंड पे था, उनके साथ जो दूसरा प्लेयर दूसरे एंड पे खेल रहा था, उनको ये कॉल नहीं करना चाहिए। किस चीज का कॉल? रन के लिए, क्योंकि there was not a run there. वहाँ पे रन था ही नहीं, ओनली 1 रन ही वहाँ पे बन सकता था, जबकि उनके जो दूसरे प्लेयर थे उनके साथ जो खेल रहे थे उसने क्या किया, दूसरे रन के लिए कॉल किया जो कि सही नहीं था। स्टिल इट वॉज वर्थ कमिंग हेयर ऑल द वे फ्रॉम कानपुर इफ ओनली टू सी दैट सुपर्ब लेट कट। फिर भी हम लोग जो कानपुर से यहाँ आए लखनऊ में इस मैच को देखने के लिए, ऐसा लग रहा था कि हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे आकर सफल हो गए। यहाँ पे आकर जो हम लोगों ने मैच देखा, कम से कम ब्रूस हैलम के जो लेट कट जो था, जो ये काफ़ी सुपर्ब था, उसको हम लोगों ने देखा, इसलिए हम लोगों का जो भी वर्थ जो भी खर्च हुआ यहाँ आकर इस मैच को देखने में, वो अफसोस की बात उसके लिए नहीं है। ये जो है पवेलियन में बैठे हुए लोगों का आपस में विचार था, वे आपस में बात कर रहे थे कि चलिए 8 रन ही बनाए, लेकिन हम लोगों ने उनका कुछ शॉट तो देखा। नेक्स्ट पेज नंबर 4 हम लोग देखेंगे। अंकल केन एंजॉयड ए हॉटी टिफिन एंड देन रियलाइजिंग दैट द गोमटी टीम वुड प्रोबेबली हैव टू बीन इन द फील्ड फॉर मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। अंकल केन ने जो है हॉटी टिफिन, मतलब कि जमकर खाना खाया, दोपहर के समय उन्होंने लंच जो किया वो बहुत अच्छा से किया, एंड देन और उसके बाद उनको महसूस हुआ, रियलाइजिंग दैट द गोमटी टीम वुड प्रोबेबली हैव टू बीन इन द फील्ड फॉर मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। इट मीन्स दोपहर की जो ज़्यादा समय है उस समय में गोमटी टीम को फील्डिंग करना होगा, फील्ड पे ही अपना समय बिताना होगा। अब इस बात को सोचकर वो घबरा गए कि दोपहर के समय में उनको ही फील्डिंग करना है, फील्ड पे बहुत देर उनको रहना पड़ेगा। ही स्लिप्ड आउट ऑफ द पवेलियन। वो क्या किए, पवेलियन से खिसक गए, खिसकने का मतलब वहाँ से निकल गए। वहाँ से उन्होंने बचने का रास्ता सोचा कि कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा। लेफ्ट द स्टेडियम, स्टेडियम छोड़े, स्टेडियम से बाहर निकले, एंड टू के टांगा टू आंट इमलीज हाउस इन द कैंटोनमेंट। और बाहर आकर उन्होंने एक टांगा लिया और उस टांगे से वह आंट इमली के घर की ओर चल पड़े।
He was just in time for a second lunch, taken at 1 o'clock with Aunt Emily's family. He was just in time for a second lunch. जो सेकेंड लंच का टाइम था 1 बजे के करीब, उस टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे वो आंट इमली के घर पर पहुंच गए. एंड इट वॉज प्रिज्यूम्ड एट द स्टेडियम डेट ब्रूस हैलम हैड लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन टू अलाहाबाद. आप देखेंगे प्रिज्यूम का मतलब है परिकल्पित. परिकल्पित इट मीन्स प्रोबेबिलिटी. आप बोल सकते हैं कि वो जो ये जो चीज है वो किसको रेफर करता है, प्रोबेबिलिटी को. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, इट मीन्स पॉसिबिलिटी. तो वहाँ के जो लोग थे स्टेडियम में बैठे हुए, वे सभी ये सोच रहे थे, ये संभावना लगा रहे थे, ये अनुमान कर रहे थे कि ब्रूस हैलम जो है अलाहाबाद जाने के लिए बहुत जल्दी स्टेडियम से निकल गए, क्योंकि वेयर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन अनदर चैरिटी मैच. क्योंकि अलाहाबाद में उनको दूसरा चैरिटी मैच खेलना था. बट यहाँ पे रीजन तो कुछ और था. यहाँ पर अंकल केन जो कि ब्रूस हैलम के जगह पे खेल रहे थे, वे जब ये सोचे कि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा टाइम उनको फील्ड में बिताना पड़ेगा, वे आंट इमली के घर चले गए. और लोगों ने यह सोचा कि ब्रूस हैलम जो है अलाहाबाद में नेक्स्ट मैच जो है उसको खेलने के लिए यहाँ से जल्दी निकल गए. आंट इमली ए फोर्सफुल ओमेन. आंट इमली जो कि एक फोर्सफुल ओमेन थी, ए लायनस, एक शेरनी की तरह. फोर्सफुल का मतलब होता है सशक्त या उग्र, पावरफुल बोल सकते हैं. इट मीन्स एक ऐसी लेडी जो किसी से भी कोई भी काम करवा सकती थी. वो काफ़ी फोर्सफुल थी, पावरफुल थी. फेड अंकल केन फॉर ए वीक. उन्होंने क्या किया कि अंकल केन को 1 वीक तो उन्होंने अच्छा से खिलाया पिलाया. एंड देन पुट हिम टू वर्क इन द स्मॉल बॉयज डॉर्मिटरी ऑफ अर स्कूल. और 1 वीक खिलाने के बाद उन्होंने क्या किया, अंकल केन को अपने स्कूल के जो डॉर्मिटरी, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, हॉस्टल आप कह सकते हैं, स्कूल में जो उनका हॉस्टल था उसकी देखभाल करने के लिए, उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्यूटी लगा दिया. किसका ड्यूटी, अंकल केन का, कि अब आप ही को क्या करना है, ये सारी देखभाल करना है. इट वॉज सेवरल मंथ्स बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप इनफ मनी टू रन अवे एंड रिटर्न टू गेन हिज प्लेस. अब क्या है कि जब अंकल केन ने देखा कि अब तो मुझे यहाँ कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, तो कुछ महीनों पहले उन्होंने जो पैसा सेव किया था, इतना पैसा उनके पास था कि वो वापस अपने गृहिणी के घर आ सकें. और उन्होंने ऐसा ही किया. उस पैसे से उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकल पड़े और अपने गृहिणी के घर चले आए. मैंने आपको बताया था कि गृहिणी मीन्स नानी या दादी भी बोल सकते हैं. बट ही हैड द सर्टिफिकेशन ऑफ नोइंग डैट ही हैड हेल्प्ड द ग्रेट ब्रूस हैलम टू एड 8 runs टू हिज ग्रैंड टोटल. लेकिन उनको इस बात का सर्टिफिकेशन था, वो इस बात से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे कि उन्होंने आज ब्रूस हैलम की हेल्प की. आप सोचिए उन्होंने कैसे हेल्प किया, तो उन्होंने जो 8 runs बनाया था वह 8 runs किसके ग्रैंड टोटल में काउंट होगा, तो ब्रूस हैलम के. आपको पता है कि जब कोई क्रिकेटर मैच खेलता है तो वह जितने भी स्कोर पहले किया होता है और फिर आज के मैच, कल के मैच या जिस मैच में वह जितना स्कोर करता है वह सारे स्कोर वह उसमें काउंट होते रहते हैं. तो ब्रूस हैलम के भी जो स्कोर थे, जो उनका ग्रैंड टोटल था पहले का, उसमें 8 run उनका बढ़ गया जो कि अंकल केन ने बनाया था. इसी बात को लेके अंकल केन जो है बहुत ही सेटिस्फाइड दिखे.
द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन हैज रिकॉर्डेड दिस फीट फॉर ऑल टाइम। और उसके बाद जो गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन ने इस कर्तव्य को, फिर मतलब होता है कर्तव्य, स्टंट कमाल, ये जो एक्टिविटी हुआ, ये जो 8 रन बना, उस 8 रन को अपने स्कोर बुक में हमेशा के लिए लिख दिया। अब वो स्कोर बुक जो है फिर अगले मैच जब ब्रूस हेलम खेलेंगे तो उसके आगे कंटिन्यू होगा। तो गोमती क्रिकेट एसोसिएशन ने स्कोर बुक में ये 8 रन रिकॉर्ड कर दिया। ब्रूस हेलम रन आउट 8, इट मीन्स ब्रूस हेलम रन आउट हुए, स्कोर कितना किया 8 रन। द गोमती टीम लॉस्ट दैट मैच, गोमती टीम वह मैच हार गई। बट एज अंकल केन वुड रीडली एडमिट, वेयर वुड वी बी विदाउट लूजर्स। लेकिन अंकल केन जो हैं इस बात को मानेंगे, इस बात को मान रहे थे कि वेयर वुड वी बी विदाउट लूजर्स, हम लोग बिना लूजर्स के कहाँ रह पाएंगे। वो इस बात को लास्ट में बोल रहे हैं कि वेयर वुड वी बी विदाउट लूजर्स, लूजर्स में होता है हारने वाला, हम लोग बिना लूजर्स के कहाँ रह पाएंगे। क्योंकि जब हमारे लाइफ में अगर लूजर्स नहीं होगा तो फिर विनर कौन होगा। जब तक कोई एक हारेगा नहीं तब तक दूसरा जीतेगा कैसे। इसलिए हमारे लाइफ में लूजर्स का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट लूजर्स वी कांट विन, हम लोग नहीं जीत सकते हैं। तो इस बात को जो है अंकल केन मानेंगे, मान रहे थे। सो ये स्टोरी आपका आज क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने ये स्टोरी आज कंप्लीट किया। आप ध्यान देंगे कि हर पार्ट को पढ़ाने से पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग आपके बोर्ड पे लिखा है, जिसका मीनिंग मैंने लिखा है हिंदी में। इससे आपको चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी, इसलिए आप इस वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। मैं फिर से एक बार इस स्टोरी के समरी को हिंदी में बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे स्टोरी को एक बार हिंदी में समझा दूँ कि आपको ये पूरा स्टोरी पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि अंकल केन जो अभी भी विदाउट ए जॉब थे, बिना जॉब के थे, उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ आंट इमली के पास और मैं वहीं पे कुछ दिन रहूँगा। ग्रेनी ने उनको मना किया कि आंट इमली के जो हैं छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, एक स्कूल है जिसकी देखभाल वो खुद करती हैं, इसलिए तुम वहाँ पे ज़्यादा दिन मत रुकना। अंकल केन कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पे 10 दिन 15 दिन या कितना भी दिन रहूँ, आंट इमली इस बात को कभी बुरा नहीं मानती। और वो वहाँ से चल पड़ते हैं लखनऊ के लिए। जब लखनऊ स्टेशन पर वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ क्राउड, इट मीन्स बहुत लोगों ने वहाँ पर भीड़ लगाया हुआ है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या है, इतने लोग क्यों यहाँ पे आए हैं। रीजन ये था कि लखनऊ में चैरिटी मैच होने वाली थी, जिसमें एक बहुत ही महान इंग्लिश क्रिकेटर ब्रूस हेलम खेलने वाले थे। बट स्टोमिक अपसेट होने के कारण उनका ट्रेन मिस हो गया और वो लखनऊ नहीं जा पाए। कोइंसिडेंस ऐसा था कि अंकल केन और ब्रूस हेलम में काफ़ी सिमिलरिटीज थी। उनका जो फिगर था, उनका जो चेहरा था और जो उनका बाल का स्टाइल था, जो बाल्ड पैच थे, वो सब जो हैं ब्रूस हेलम से काफ़ी सिमिलर थे। तो लोगों ने यह समझा कि ब्रूस हेलम ही आए हुए हैं और उन्हीं का वेलकम करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे।
क्योंकि ब्रूस हेलम ने जो टेलीग्राम भेजा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ट्रेन मिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, वह टेलीग्राम गोमती क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं मिला था और लोग यह समझे कि अंकल केंद्र जो है ब्रूस हेलम है। स्टेशन पे लोगों ने उनका काफी भव्य स्वागत किया। उनको वहां से रिसीव कर स्टेडियम ले गए, उन्हें जमकर खिलाया पिलाया गया। उसके बाद वह जब मैच खेलने उतरे तो जो ब्रूस हेलम का नॉर्मल पोजीशन था, थर्ड पोजीशन, उनको लगा कि उस पोजीशन पे वो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, वह गए खेलने। उन्होंने टोटल जो है 8 रन स्कोर किया। टोटल स्कोर रन कितना था उनका? 8 रन, और वो रन आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ जो क्रीज पे मौजूद था उसकी गलती के कारण अंकल केन रन आउट हुए हैं। सो लोगों में उनके प्रति काफी सहानुभूति आई। सभी लोग स्टेडियम में जो मौजूद थे उन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनके प्रति सिंपैथी दिखाई कि कोई बात नहीं, आप 8 रन बना के आउट हो गए, इसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग जो इतने दूर से आए हैं, हम लोगों ने आपके कुछ शॉट देखा और इस शॉट से ही स्टेडियम में बैठे लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। उसके बाद अंकल केन जो है दोपहर के समय अपना टिफिन किया, जो कि गोमती क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था, उन्होंने जमकर खाया। और अब उनको लगा कि दोपहर की जो अधिकांश समय है उनको फील्ड पर रहना पड़ेगा, इट मीन्स फील्डिंग करनी पड़ेगी, और वो वहां से खिसक गए और आंट इमली के घर चले गए। वहां पे वो 1 वीक रहे, 1 वीक आंट इमली ने उनको अच्छा खिलाया पिलाया, बट उसके बाद आंट इमली ने उनको अपने स्कूल के जो हॉस्टल थे उसमें जो बच्चे थे उनकी देखभाल की काम सौंप दी, उनकी जिम्मेवारी अंकल केन को दे दी कि आपको ये सब करना है। अब अंकल केन घबरा गए, उन्होंने क्या किया, वापस अपने बचाए हुए कुछ पैसों से आंट इमली के घर से निकल पड़े और गृहिणी के घर गए। उनके मन में ये सर्टिफिकेशन था कि चलिए मैं कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो किया कि ब्रूस हैलम के स्कोर बोर्ड में उनका जो ग्रैंड टोटल था उसमें 8 रन मैंने इंक्रीज कर दिया। गोमती क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो मैच तो हार गई, गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन वो मैच तो हार गई, बट अंकल केन इस बात को समझ पाए, इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि हम जो हैं यूजर्स के बिना कहीं नहीं रह पाएंगे। वह आसानी से इस बात को स्वीकार किए कि चलिए हम लोग जो है कहीं भी हैं, अगर कोई विनर है तो लूजर है, और जब तक लूजर नहीं है तब तक कोई विनर नहीं बन सकता है। सो हम लोगों ने पूरे स्टेज को हिंदी में हम लोगों ने समझा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसके असेसमेंट और तो इसके बुक वर्क के क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।